A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying the story All Summer in a Day by Ray Douglas Bradbury, and this story is for class 10 ICSC as per their 2024 examinations. Theek hai, so this is the protagonist of the story, Margot. Now this is story about, first we will study about the story and then we will study line by line explanation of the story. All Summer in a Day, एक शॉर्ट स्टोरी है. इट इज रिटन बाय रे ब्रैडबरी, रे डगलस ब्रैडबरी. जहां पर जो भी कैरेक्टर्स हैं, दे लिव ऑन अ सनलेस प्लैनेट दैट इज वीनस. सब वहां पर रहते होते हैं और जहां पर देर इट रेन्स ऑल डे एवरी डे, जहां पर सारा टाइम जो है सिर्फ बारिश होती रहती है. सन कम्स अराउंड एवरी सेवन ईयर्स, सेवन ईयर्स में एक बार सन आता है. एंड मार्गोट the main character seems to be the only one who vividly remembers the sun. और वहां पर among all the children, Margot is the only girl जिसने सूरज को पहले भी देखा हुआ था और वो she remembers how sun looks like. Her remembrance is due to the fact, और ये जो remembrance है वो इसलिए just because कि she had left earth only 5 years prior, 5 साल पहले उसने छोड़ा था. While the rest of the kids जो थे वो they have lived the entire lives on Venus and they were only toddlers, बहुत छोटे छोटे से थे, एक दो साल के होंगे, when the sun had presented itself last. So it was not a core memory for them or only a dream. तो इसीलिए उनके लिए sun को याद रखना बहुत मुश्किल है, सिर्फ उनके लिए ये एक सपने के जैसा है. The main theme in the story, All Summer in a Day by Ray Bradbury is bullying, which is caused by jealousy and envy. Just because कि आप किसी से jealous हो, आप चिढ़ रहे हो, you are jealous of that person, ईर्ष्या आपको उसके लिए, इसीलिए you are trying to poke that person. Interestingly enough, Ray Bradbury has chosen to explore this theme in the context of a future generation that has a chance to travel between planets as a consequence of evolution. और ये चीज हमने इस सेंस में देखी है कि might be in the coming years, the future generation might be able to go and travel the planets, the other planets. तो यहाँ पर we are talking about the sun that will be shown in this story also. तो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स ए स्टोरी जहां पर सब स्टूडेंट्स एक दूसरे से पूछते हैं. एवरी ऑल ऑफ दीज हैज बीन सेड बाय द चिल्ड्रन जो वहां पर होते हैं. रेडी, रेडी नाउ, सून, अभी निकलेगा? नहीं, थोड़ा सा रुक करके जल्द ही निकलेगा. डू द साइंटिस्ट रियली नो? विल इट हैपन टूडे? विल इट, तो वो जो बच्चे वहां के वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं क्या साइंटिस्ट को सच में पता है, क्या ये आज ही होगा, सच में आज ही होगा? लुक लुक सी योर सेल्फ, सी फॉर योर सेल्फ, कि खुद से तुम देख लो. और चिल्ड्रेन जो थे वहां पर ऐसे ही एक विंडो पर, दे प्रेस्ड टू ईच अदर लाइक सो मेनी रोजेस, बहुत सारे फ्लावर्स के जैसे वो एक साथ एक विंडो पर चिपके हुए थे. सो मेनी वीड, सो मेनी अनवॉन्टेड प्लांट्स इंटरमिक्स्ड पियरिंग आउट फॉर अ लुक एट द हिडन सन. एंड इट रेन्ड, वहां पर उस समय बहुत बारिश हो रही थी और वो सारे स्टूडेंट्स जो थे वो सॉरी एक विंडो के पास खड़े होकर के वो सब बाहर जो भी नजारा था उसको देख रहे थे. एंड दे वर जस्ट वेटिंग फॉर द सन टू कम आउट. इट हैड बीन रेनिंग फॉर 7 years, 7 साल से लगातार वहां पर बारिश हो रही थी. थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ डेज कंपाउंडेड एंड फिल्ड फ्रॉम वन एंड टू अदर विद रेन, मतलब बहुत सारे कई कई दिन थे एक साथ मिल करके वो सब सिर्फ बारिश और बारिश ही लेकर के आते थे. विद द ड्रम एंड गश ऑफ वाटर, सिर्फ आवाजें आती थी. एंड लॉट्स ऑफ वाटर यूज टू कम विद अ स्वीट क्रिस्टल फॉल ऑफ शावर्स. देर वॉज अ लॉट ऑफ शावर, रेन शावर्स वर देर एंड द कॉन्फ्यूजन ऑफ स्टॉर्म्स, बहुत सारे वॉयलेंट फोर्स के साथ जो स्टॉर्म जो तूफान आता है वो होता था. इट वॉज सो हैवी दे वर टाइडल वेव्स कम ओवर द आइलैंड्स, और ऐसे तूफान आते थे जैसे कि दीज वर द टाइडल वेव्स दैट वर कमिंग
over the islands. A thousand forests had been crushed under the rain and grown up a thousand times to be crushed again. बहुत सारे forests थे that were crushed just because की बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और फिर वो grow up हुए थे कई thousand bar so that they can again be crushed. In the sense की बार बार बारिश होती थी फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाती थी और उसके बाद फिर फॉरेस्ट जो है वो उठकर खड़े हो जाते थे. एंड दिस वॉज द वे लाइफ वॉज फॉर एवर ऑन द प्लैनेट वीनस. और उसके बाद लाइफ उस फॉरेस्ट में वीनस के उस प्लेस पे वैसी ही थी. एंड दिस वॉज द स्कूल रूम ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द रॉकेट मैन एंड वुमेन who had come to the reigning world to set up civilization and live out their lives. And this was a place of the people, the rocket men and women, जो अर्थ को छोड़ करके यहाँ पर आकर के रहना उन्होंने शुरू किया. एंड दे हैव स्टार्टेड मेकिंग देयर सिविलाइजेशन हेयर. जिन्होंने अपनी गृहस्थी यहाँ पर बसाना शुरू किया है. इट्स स्टॉपिंग इट्स स्टॉपिंग. तो बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं और वो कहते हैं कि ये देखो रुक रही है, ये रुक रही. क्या रुक रही भाई? रेन. रेन इज स्टॉपिंग हियर. यस यस मार्गोट. नाउ द गर्ल द मेन प्रोटैगनिस्ट शी स्टूड अपार्ट फ्रॉम देम. वो जस्ट बिकॉज की उसके नेचर के अकॉर्डिंग शी वॉज नॉट एबल टू एडजस्ट विद द पीपल ऑफ वीनस. शी यूज टू स्टे अपार्ट फ्रॉम एवरी वन ऑफ देम. For these children who could never remember a time when there wasn't rain and rain and rain. और इन students से वो हमेशा दूर रहती थी जिनको एक भी पल ऐसा नहीं याद होगा जब बारिश नहीं हुई है. They were all 9 years old. और वो लोग 9 साल के थे. And if there had been a day 7 years ago when the sun came out for an hour, showed its face to the stunned world, they could not recall. और क्या टाइम था? वो लोग 9 साल के थे वो लोग जितने भी स्टूडेंट्स थे वहां पर. और अगर 7 साल पहले ऐसा कोई दिन रहा भी होगा जिस टाइम पर सन पनप के बाहर आया एक घंटे के लिए अपने फेस दिखाने के लिए टू दिस सरप्राइज्ड वर्ल्ड स्टंड सरप्राइज्ड वर्ल्ड, तो वो स्टूडेंट्स रिकॉल नहीं कर सकते थे उस चीज को. Sometimes at night she heard them stir in remembrance and she knew they were dreaming and remembering gold or yellow crayon. Kuch kabhi kabhi sometimes she heard she who Margot she heard them stir apne aap se karvat badalte hue baatein karte the. She knew और उनको ये पता था कि they were dreaming and they were remembering gold या yellow crayon और एक coin large enough to buy the world with. और वो ऐसे याद करती थी कि ये लोग जो है ये बातें ऐसी कर रहे होते थे. She knew they thought they remembered a warmness. उसको पता था कि उसको ऐसा जो बाकी लोग हैं उनको they remember something in their mind. Like blushing in the face, in the body, in the arms and legs, कि वो warmth उसको याद है, वो warmness उसको याद है. That was blushing in the face, in the body, in the arms and legs and trembling hands. But then they always awoke to the tatting drum, endless shaking down of clear bead necklaces upon the roof. और उस time पर They have always woken up. वो सिर्फ कैसे उठते थे? Like to the tatting drum. This is a kind of tatting drum जिसकी यहाँ पर बात की गई है. Okay, this is to be made for some lace की जो भी होता है उसको बनाने के लिए यहाँ पर इसको बोला गया है. तो यहाँ पर क्या कहा गया है? That but then they always woke up to the tatting drum, to the endless shaking of clear bead necklaces. उसी से ही बनता है, उसी के थ्रू बनता है. बट यहाँ पर किसकी बात की गई कि ऊपर आवाजें होती थी ड्रम बीट्स के जैसी और ऐसे लगता था कि कोई माला है जो टूट करके रूफ के ऊपर गिर रही है जहां पर हम लोग वॉक करते हैं वहां पर गार्डन में फॉरेस्ट में. एंड देयर ड्रीम्स वर गॉन इन द सेंस कि जो बारिश होती थी उसकी जो आवाज होती थी वो ऐसी ही लगती थी. ऑल डे येस्टरडे दे हैड रेड इन द क्लास अबाउट द सन. एक दिन पहले पूरा दिन उन्होंने सूरज के बारे में ही पढ़ा था.
दैट हाउ अबाउट हाउ लाइक अ लेमन इट वॉज, कि वो कैसा था, इट वॉज लाइक अ लेमन एंड इट वॉज हॉट. दे हैड रिटन स्मॉल स्टोरीज और एसेज और पोएम्स अबाउट इट, और उन्होंने स्मॉल स्टोरीज पोएम्स ऐसे भी इसके बारे में पढ़ा है. आई थिंक द सन इज अ फ्लावर, और ऐसा लगता है कि सन जो है एक फ्लावर के जैसा है, दैट ब्लूम्स जस्ट फॉर एन आवर. ये जो थी, दिस वॉज मार्गोट्स पोएम, दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप इसको याद कर सकते हैं. रेड इन अ क्वाइट वॉइस इन द स्टिल क्लास रूम वाइल द रेन वाज फॉलिंग आउटसाइड, जब बाहर बारिश हो रही थी उस टाइम पर मार्गोट ने ये पोएम धीमे से क्लास में पढ़ी, और जो बाकी स्टूडेंट्स थे वो उस टाइम पर उसे कहते हैं यू डिडंट राइट दैट, तुमने ये नहीं लिखी है, प्रोटेस्टेड वन ऑफ द बॉयज. तो मार्गोट कहती है आई डिड, मैंने ही ये लिखी है. विलियम सेड द टीचर, तो टीचर ने बोला कि विलियम, उसने आवाज लगाई विलियम को, बट दैट वॉज येस्टरडे, पर ये कल की बात है. नाउ रेन वॉज स्लैकनिंग, नाउ रेन वॉज वीकनिंग, इट वॉज गेटिंग स्लोअर एंड स्लोअर, एंड द चिल्ड्रेन वर क्रश्ड इन द ग्रेट थिक विंडोज, और जो चिल्ड्रेन थे वो बाहर देखने के लिए विंडोज पर एक दूसरे को दबे पड़े हुए थे, क्रश कर रहे थे. वेयर इज द टीचर, टीचर कहाँ है, एक बच्चे ने पूछा. अभी एट प्रेजेंट, एट करंट, क्लास में टीचर नहीं थी. तो वन ऑफ द चाइल्ड आस्क्ड, एक बच्चा वहां पर पूछता है कि टीचर कहाँ है, तो दूसरा बच्चा बोलता है दैट शील बी बैक, शी वुड बेटर हरी, वील मिस इट. तो वो कहता है, एक बच्चा कहता है कि वो वापस आ जाएंगी, तो दूसरा बच्चा कहता है कि उसको, उनको जल्दी आना चाहिए, नहीं तो हम लोग मिस कर देंगे, नहीं तो बाहर हम लोग को कौन ले करके जाएगा. दे टर्न ऑन देमसेल्व्स लाइक अ फीवरिश व्हील, ऑल टम्बलिंग स्पोक्स, और वॉट दे वर डूइंग, दे टर्न ऑन देमसेल्व्स, वो खुद ही उधर तरफ मुड़ करके विंडो की तरफ देखने लगे, जैसे कोई फीवरिश व्हील हो, व्हील एक बड़ा सा चक्रा हो. ऑल टम्बलिंग स्पोक्स, ऑल दे वर फॉलिंग सडनली, जैसे आई शो यू हियर, जैसे ये है, तो समझो कि ये बहुत सारे बच्चे हैं जो एक दूसरे के ऊपर ही चढ़े पड़े हुए हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको सन को देखना है. मार्गोट स्टूड अलोन, बट वहां पर मार्गोट अकेले खड़ी हुई थी. शी वॉज अ वेरी फ्रेल, वो बहुत ही ज्यादा वीक एंड डेलिकेट गर्ल थी, हु लुक्ड एज इफ शी हैड बीन लॉस्ट इन द रेन फॉर इयर्स, और वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे, मतलब शी लुक्ड लाइक शी हैड बीन लॉस्ट इन द रेन फॉर इयर्स, की बहुत समय तक रेन वॉज देयर एंड शी was lost in that rain had washed out the blue from her eyes. और ये जो बारिश है, just because की people who love nature a lot और they love sun a lot, उनको वैसे भी बारिश नहीं पसंद होती है. Similarly, Margot, who was not able to adjust in Venus, जो rain है उसने उसकी eyes से blue ले लिया था, in the sense कि उसकी सारी चमक छीन ली थी. It had taken washed away the blue from her eyes, the red from her mouth, and the yellow from her hair. और अपने उसके mouth की redness, the hair का yellowness सब हटा दिया था उसने, मतलब fade कर दिया था. She became a pale yellow girl. She was an old photograph dusted from the album. और वो ऐसे देखने में ऐसे लगते थे जैसे she was an old photograph that has been dusted from the album, whitened away, जिसकी जो सारा कलर है वो उड़ चुका है. And if she spoke at all, her voice would be a ghost. और जब भी वो कुछ बोलती थी, her voice seemed to be like ghost. Now she should separate, staring at the rain, the loud wet world beyond the huge glasses. Now she stood. अब वहां पर वो खड़ी थी अकेले, अलग, staring rain को देखते हुए, and the loud world जो उस glass के beyond है, उस window के beyond है. तो एक बच्चा उससे पूछता है, What are you looking at? said Williams. William उसे पूछता है कि तुम क्या देख रही हो. तो Margot said nothing. स्पीक वेन, तो उस टाइम पर मार्गोट ने कुछ नहीं बोला.
तो विलियम उससे वापस से कहता है, स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू, कि कभी अगर तुमसे कोई बात कर रहा है तो तुम उससे बात किया करो. इन द सेंस जस्ट बिकॉज कि मार्गोट जो थी शी वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ गर्ल, शी नेवर यूज्ड टू गेट इनटू विद पीपल, इसीलिए शी ऑलवेज यूज्ड टू गेट सम सॉर्ट ऑफ बुलिंग नेचर फ्रॉम एवरीवन. ही गेव हर अ शो, उसने उसको एक धक्का दिया, एक पुश दिया, बट शी डिड नॉट मूव, पर वो बिल्कुल भी वहां से हिली नहीं. रादर शी लेट हर सेल्फ बी मूव्ड ओनली बाय हिम एंड नथिंग एल्स, एंड वो सिर्फ रुकी हुई थी वहां पर कि उसको कोई धक्का मारे फिर से, और कुछ भी उसको असर नहीं कर रहा था. दे एज्ड अवे फ्रॉम हर, तो वॉट दे डिड, वॉट ऑल द चिल्ड्रन डिड, उससे मार्गॉट से खुद को अलग कर दिया. दे वुड नॉट लुक एट हर, वो उसकी तरफ देखते भी नहीं थे. शी फेल्ट देम गो अवे, और उनको उसको फील हुआ कि ये लोग जो है मुझसे दूर भाग रहे हैं. एंड दिस वॉज बिकॉज शी वुड प्ले नो गेम्स विद देम इन द इकोइंग टनल्स ऑफ द अंडरग्राउंड सिटी. जस्ट बिकॉज की जो अंडरग्राउंड सिटी के टनल में वो लोग थे उस टाइम पर, उस टनल में वेयर दे हैड देयर क्लास रूम ऑल्सो, वहां पर शी वुड प्ले नो गेम्स विद देम इफ दे टैग्ड हर एंड रैन, अगर उस लोगों ने इसको टैग किया, जैसे वो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं ठीक है, तो या हाइड एंड सीक खेलते, तो अगर उसने किसी स्टूडेंट ने उसको टैग किया, वो दोबारा उसको नहीं पकड़ती थी. शी स्टूड ब्लिंकिंग आफ्टर देम एंड डिड नॉट फॉलो, और उसके बाद वो उसको वापस नहीं पकड़ती थी, नहीं खेलती थी. When the class sang songs about happiness and life and games, her lips barely moved. जब पूरा क्लास जो है वो सॉन्ग गाता था ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ लाइफ, ऑफ गेम्स, उसके होठ हिलते भी नहीं थे. ओनली वेन दे सैंग अबाउट द सन एंड द समर डिड हर लिप्स मूव एज शी वॉच द ड्रेंच विंडोज. और कभी भी अगर सॉन्ग ये लोग गा रहे होते थे ऑफ सन और समर, तब वो गाना गाती थी वॉचिंग द ड्रेंच विंडोज, जो भीगी हुई विंडोज थी आउटसाइड उसको देखते हुए. एंड देन ऑफकोर्स द बिगेस्ट क्राइम ऑफ ऑल वॉज That she had come here only 5 years ago from Earth, और वो 5 years ago Earth से आई थी, and उस टाइम से अभी तक she remembered the sun, उसको सूरज याद था. The way sun was, the sky was when she was 4 in Ohio, मतलब in at the time when in Ohio in the US state. वो सिर्फ 4 साल की थी और उसको बहुत अच्छे से याद था कि सूरज कैसा दिखता है, स्काई कैसा दिखता है. एंड दे हैड बीन ऑन वीनस ऑल देयर लाइव्स, और ये जो बाकी स्टूडेंट थे वो वीनस पे हमेशा से ही रहे हैं. जस्ट बिकॉज दे हैड टू बीन 2 years ओल्ड जब सन लास्ट आया था. एंड ऑल ऑफ देम हैव फॉरगॉटन सिंस The color, the heat of it, the way it really was, but Margot remembered. तो बाकी जितने स्टूडेंट्स थे वो तो भूल गए हैं कि सन कैसा था, लेकिन मार्गोट को ये सब चीजें याद थी. इट्स लाइक अ पेनी, शी सेड वंस, आईज क्लोज्ड. तो एक बार मार्गोट बोलती है दैट इट्स लाइक अ पेनी. इट्स कौन? सन. सन इज लाइक अ पेनी. तो अदर स्टूडेंट से द चिल्ड्रन क्राइड, नो इट्स नॉट, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स नॉट लाइक अ पेनी, तुमको ऐसा लग रहा है. इट्स लाइक अ फायर, शी सेड इन द स्टोव, और ऐसा लगता है उसको देख करके कि जैसे फायर हो स्टोव में. दिस वॉज ऑल्सो सेड बाय मार्गोट. यू आर लाइंग, यू डोंट रिमेम्बर, क्राइड द चिल्ड्रन. और उसके बाद फिर से बच्चे बोलते हैं कि तुमको याद नहीं है वो कैसा दिखता है. यू डोंट रिमेम्बर, तुम झूठ बोल रही हो. But she remembered and stood quietly apart from all of them and watched the patterning windows. और वो कुछ नहीं बोलती थी वहां पर. she remembered, उसको याद था, but she stood quietly there, और वो सिर्फ window पे जो rain के patterns बन रहे थे उसको देखती थी. And once a month ago she had refused to shower in the school shower rooms. और एक बार
एक महीने पहले उसने मना कर दिया था टू शावर, नहाने से इन द स्कूल के जो शावर रूम्स हैं, हैड क्लच्ड हर हैंड्स टू हर ईयर्स, और अपने हैंड्स उसने अपने ऐसे ईयर्स तक ऐसे करके रख लिए, एंड ओवर हर हेड आल्सो स्क्रीमिंग दैट द वाटर मस्ट नॉट टच हर हेड, और जोर जोर से वो चिल्ला रही थी कि जो उसका जो वाटर है वो उसके हेड पर नहीं टच होना चाहिए. सो आफ्टर दैट डिमली डिमली शी सेंस्ड इट, शी वॉज डिफरेंट एंड दे न्यू हर डिफरेंस एंड केप्ट अवे. और धीरे धीरे करके उसको ये चीज समझ में आने लगी कि वो अलग है, यहाँ के जो लोग हैं उनसे अलग है, और उसकी जो डिफरेंस है वो सारे लोगों को पता है और सब लोग उससे दूर रहते हैं. देयर वॉज टॉक दैट हर फादर एंड मदर वर टेकिंग हर बैक टू अर्थ नेक्स्ट ईयर. और ये बात या ये र्यूमर्स या ये चीजें उड़ी थी उस टाइम पर कि उसके फादर मदर उसको वापस अर्थ लेकर के जाएंगे अगले साल. इट सीम्ड वाइटल टू हर दैट दे डू सो, और ये उसके लिए जरूरी भी था कि उसके फादर मदर ऐसा करें. वाई? बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू एडजस्ट इन वीनस, दो इट वुड मीन द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स टू हर फैमिली, बट इट वुड ऑल्सो मीन कि उसके फादर का बहुत ज्यादा खर्चा होगा, बहुत नुकसान होगा. वाई? बिकॉज शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर इज नॉट ईजी, एंड सो द चिल्ड्रेन हेटेड हर फॉर ऑल दीज रीजंस ऑफ बिग एंड लिटिल कॉन्सिक्वेंस, और वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, उसके कारण ये जितने भी स्टूडेंट्स थे उससे बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, नफरत करते थे. दे यूज टू हेट हर, दे हेटेड हर पेल स्नो फेस, उसका जो फेस था दैट वॉज स्नोई वाइट एंड ऑल्सो पेल येलोइश, हर वेटिंग साइलेंस, जो वो चुप रहती थी उससे भी चिढ़ते थे, उसकी जो जो इतनी दुबली पतली सी थी उससे भी चिढ़ते थे, और वॉट एवर हर पॉसिबल फ्यूचर वुड बी उससे भी द स्टूडेंट्स यूज टू बी jealous and they used to hate her. Get away, the boys gave her another push. और यहाँ पर जो boy से उसने एक जो boy था उसने उसको फिर से एक धक्का मारा, उससे बोला कि तुम हटो यहाँ से, what are you waiting for, तुम यहाँ पर किस चीज का इंतजार कर रही हो. Then for the first time, और उसके बाद she turned and looked at him, और उसके बाद पहली बार for the first time she just got up, turned and looked at him, and what she was waiting for was in her eyes, और वो जिस चीज का इंतजार कर रही थी वो उसकी आईज में साफ साफ पता चल रहा था. Well, don't wait around here, cried the boy savagely. जो boy था उसे बहुत जोर से violently चीखा वो कि यहाँ पर wait करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी नहीं देख पाओगी. Her lips moved, and now her lips moved. कुछ उसके लिप्स ने बोलने की कोशिश की. नथिंग ही क्राइड, उसने बोला कि कुछ नहीं देख पाओगी तुम यहाँ. इट वॉज ऑल जोक, वॉजंट इट. ही टर्न्ड टू अदर चिल्ड्रन, बाकी चिल्ड्रन की तरफ वो बॉय मुड़ा और उसने कहा कि ये सब जो यहाँ चल रहा है सब मजाक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. नथिंग्स हैपनिंग टूडे इज इट इट, तो वहां पर वही जो बॉय था वो फिर से बोला कि कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर. तो दे ऑल ब्लिंक्ड एट हिम एंड देन, और उसके बाद वो जितने भी स्टूडेंट्स थे दे ब्लिंक्ड एट द बॉय. और अच्छा उसकी मतलब बात उसने समझी कि अच्छा ये बॉय जो है मजाक कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो मार्गॉट को परेशान करना चाहता था. अंडरस्टैंडिंग लव एंड शुक देयर हेड्स, और उसके बाद वो हंसे और उसके बाद वो अपना दो सब लोग मिल करके सर हिलाए, सो दैट उसको उन लोग को समझ में आ जाए कि ओके दे आर प्लानिंग समथिंग अगेंस्ट मार्गॉट. नथिंग नथिंग, तो इसीलिए बाकी स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं नहीं नो नो नथिंग इज गोइंग टू हैपन टूडे. मार्गॉट कहती है ओ, बट मार्गॉट विस्पर्ड, बट मार्गॉट ने वहां पर बोला. हर आईज हेल्पलेस, उसकी जो आईज थी वो हेल्पलेस थी, उसने बोला बट दिस इज द डे द साइंटिस्ट प्रेडिक्ट दे से दे नो द सन, और उसके बाद उसने बोला कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि आज के दिन ही वहां पर उनको कौन दिखेगा, सूरज दिखेगा. ऑल अ जोक, तो सारे स्टूडेंट जो बॉय था वो कहता है कि ये सब झूठ है, इट्स ऑल जोक. सीज्ड हर रफली, उसको जोर से हाथ पकड़ा उसका, एंड हर
Hey everyone, let's put her in the closet before the teacher comes. कि चलो उस मतलब हम लोग इसको एक अलमारी में बंद कर देते हैं इससे पहले कि टीचर वहां पर आए. तो मार्गोट जोर से चिल्लाने लगी, फॉलिंग बैक पीछे हटने लगी और बोलने लगी कि नो ऐसा मत करो. दे सर्च अबाउट हर, दे मूव्ड अबाउट हर, दे मूव्ड हर सडनली. उसको ले करके गए, उसको पकड़ा, उसको बियर किया, प्रोटेस्टिंग एंड देन प्लीडिंग एंड देन क्राइंग बैक इनटू अ टनल, देन रूम, देन क्लोजेट. मतलब उसके बाद उसको ले करके गए चीख चिल्लाते हुए वहां पे. और उसके बाद व्हाट दे डिड, दे स्लैम्ड एंड लॉक्ड द डोर. और उसके बाद उसने कहा उसको लेकर के गए, पहले वो टनल में उसके रूम में, रूम में एक वहां पर अलमारी थी उसमें लेकर के गए, उसी अलमारी में उसको बंद कर दिया. दिस स्लैम्ड, व्हाट दे डिड, दिस स्लैम्ड, जोर से उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया उन लोगों ने और उसको लॉक कर दिया. दे स्टूड लुकिंग एट द डोर एंड सॉ इट ट्रेम्बल फ्रॉम हर बीटिंग. और उसके बाद वो उस दरवाजे को देख रहे थे एंड इट वॉज ट्रेम्बलिंग. वो दरवाजा जो है वो ऐसे ऐसे करके कप कपा रहा था. वाई? बिकॉज शी वॉज बीटिंग द डोर एंड थ्रोइंग हर सेल्फ अगेंस्ट इट. और उसके बाद वो जोर जोर से धक्का दे रही थी कि वो दरवाजा जो है खुल जाए. दे हर्ड हर मफल्ड क्राइज, दे हर्ड हर क्राइज दैट वर नॉट दैट मच लाउड इनफ. बहुत जोर से वो नहीं चीख चिल्ला रही थी. देन स्माइलिंग दे टर्न्ड एंड वेंट आउट एंड बैक डाउन द टनल जस्ट एज द टीचर अराइव. और उसके बाद दे ऑलवेज स्माइलिंग दे टर्न्ड एंड वेंट आउट, टनल से बाहर निकले वो लोग. और उसके बाद टीचर वहां पर आ गई थी तो दे ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग बैक. रेडी चिल्ड्रेन, शी ग्लांस्ड एट हर वॉच. अपनी जो टीचर थी, यहाँ पर किसने बोला है, टीचर ने बोला है. तो टीचर यहाँ पर कहती है कि सारे स्टूडेंट्स रेडी हो तुम लोग? उसने अपनी वॉच की तरफ ऐसे देखा. यस सेड एवरीवन, सबने कहा हाँ. आर वी ऑल हेयर? यस. तो टीचर पूछती है क्या हम सब यहाँ पर हैं? तो स्टूडेंट्स जो भी हैं वहां पर चिल्ड्रेन वो कहते हैं कि हाँ हम लोग सब यहाँ पर हैं. The rain slacked still more. और उसके बाद जो बारिश थी वो और कम होने लगी. They crowded to the huge door. जो बड़ा सा डोर था स्कूल का, वहां पर they all crowded together. एक साथ झुंड बना करके खड़े हुए. And the rain stopped. And then finally the rain stopped. It was as if in the midst of a film concerning. और इस ऐसे देख के लग रहा था कि कोई फिल्म चल रही हो बीच में. इन द मिड्स ऑफ अ फिल्म दैट वाज कंसर्निंग एन एवलांशे. एवलांशे ये ठीक है, जो बहुत सारी बर्फ अचानक से गिरने लगती है, ग्लेशियर्स गिरने लगते हैं. एक एवलांशे, टोर्नाडो, हरिकेन या फिर वोल्केनिक इरप्शन. तो दिस इज अ टोर्नाडो, दिस इज अ हरिकेन, दिस इज अ वॉल्केनिक इरप्शन. और इन सब की एक फिल्म चल रही हो और इन सब आंधी तूफान के बीच में समथिंग हैड फर्स्ट गॉन रॉन्ग विद द साउंड एपरेटस. और उसके बाद कुछ ऐसा था जो उनका जो फिल्म चल रही थी, जो तकनीकी फिल्म चल रही थी इन जिसमें ये सारे डिजास्टर्स शो किए जा रहे थे, उसमें पहले कुछ गलत हुआ. और उसके बाद देर वॉज अ मफिंग, देर वॉज अ कवर और रैप टू रिड्यूस इट्स लाउडनेस. और उसके बाद कुछ आवाज थोड़ी सी धीमे हुई एंड फाइनली सारी नॉइज को कट करते हुए ऑफ ऑल द ब्लास्ट एंड रिपरक्यूशंस एंड थंडर्स. फिर एक सेकेंड, देन सेकेंड रिप्ड द फिल्म फ्रॉम द प्रोजेक्टर. और उसके बाद ये सारे कह सकते हो कि ब्लास्ट, रिपरकशंस, थंडर्स, आंधी तूफान, जो भी चीजें आ रही थी वो सब आने के बाद व्हाट हैपेंड, दोबारा द सेकेंड टाइम रिप्ड द फिल्म. तो हमने फिल्म को उसके प्रोजेक्टर से बाहर निकाला, ठीक है, फिल्म जो भी इसकी रील थी उसको उसके प्रोजेक्टर से बाहर निकाला. और उसके बाद व्हाट वी सॉ वाज दैट कि अब यहाँ पर एक ट्रॉपिकल सा क्लाइमेट हमें दिख रहा है. क्या यहाँ पर कहने का मतलब है? दैट इंसर्टेड इन इट्स प्लेस अ ब्यूटिफुल ट्रॉपिकल स्लाइड विच डू नॉट मूव और ट्रेमर द वर्ल्ड ग्राउंड टू अ स्टैंड स्टिल. और जो वर्ल्ड था इट हैड स्टॉप्ड टू अ स्टैंड स्टिल. यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ से कहने का मतलब है कि एक ऐसा लगा था कि कोई फिल्म चल रही हो,
फिल्म जिसमें आंधी तूफान वोल्केनिक इरप्शन टोर्नाडो हरिकेन ये सब चीजें आ रही हैं, और सडनली क्या हुआ कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी खराब हुई, उसकी फिल्म जो थी उस प्रोजेक्टर में से उसको बाहर निकाला गया, उस रील को पूरी, और उसके बाद दोबारा इंसर्ट किया गया, और एक सुंदर सा ट्रॉपिकल क्लाइमेट जिसमें सूरज है वो वाला क्लाइमेट दोबारा से दिख गया हो। The silence was so immense and unbelievable that you felt your ears had been stuffed or you had lost your hearing altogether. जो सन्नाटा था वहां पर, just because कि सूरज बाहर निकल आया है, तो जो सन्नाटा था वो बहुत ही ज्यादा था। It was unbelievable. लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था उस पे, और ऐसे लग रहा था कि आपके कानों में या तो कुछ भर गया है, और आप या फिर आपने अपनी जो हियरिंग एबिलिटी उसको खो दिया है, क्योंकि वहां कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जो चिल्ड्रेन थे, दे पुट देयर हैंड्स टू देयर ईयर्स, दे स्टूड अपार्ट। व्हाट दे डिड, द चिल्ड्रेन पुट देयर हैंड्स टू देयर ईयर्स, जो ऐसे करके, जस्ट बिकॉज दे वर इन द शॉक, द डोर स्लिड बैक एंड द स्मेल ऑफ द साइलेंट वेटिंग वर्ल्ड केम इन टू देम। जो डोर था वो ओपन हुआ, इट स्लिड बैक, और उसके बाद जो स्मेल थी ऑफ दैट साइलेंट वर्ल्ड वो उन तक पहुंची। द सन केम आउट एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, जो सूरज था वो वहां पर आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ इट वॉज लुकिंग, तो इट वॉज द कलर ऑफ फ्लेमिंग ब्रॉन्ज। ठीक है, फ्लेमिंग दिस इज ब्रॉन्ज, और इसी को ही अगर हम फ्लेमिंग कहें कि बहुत ज्यादा आग लपाता हुआ था। इट वॉज वेरी लार्ज एंड द स्काई अराउंड इट वॉज ऑल्सो ब्लेजिंग ब्लू टाइल कलर, और ऐसे लग रहा था कि द स्काई वॉज ऑल्सो जगमगा रहा है विद द सन, एंड द जंगल बर्न्ड विद सनलाइट एज द चिल्ड्रेन रिलीज्ड फ्रॉम देयर स्पेल रश्ड आउट येलिंग इन टू द स्प्रिंग टाइम। एंड ऐसे लग रहा था पूरा जंगल है, इट इज ऑल्सो बर्निंग विद सनलाइट। जब जो चिल्ड्रेन है वो बाहर आए, देवर रिलीज फ्रॉम द स्पेल, वाई, बिकॉज देवर शॉक्ड, तो वो जब वहां से बाहर आए भागे वो, देवर येलिंग देवर शाउटिंग इन टू द स्प्रिंग टाइम, क्योंकि वहां पर बहार आ गई थी, सूरज को उन्होंने देखा था। नाउ डोंट गो फार, कॉल द टीचर आफ्टर देम, टीचर ने उनको बोला कि बहुत दूर तक मत जाना, तुम लोग के पास सिर्फ 2 आवर्स हैं, यू नो, एंड यू वुडेंट वॉन्ट टू गेट कॉट, और तुम लोग चाहते होगे कि कोई भी तुम लोग को पकड़ ना ले किसी भी रीजन से। बट देवर रनिंग एंड टर्निंग अप देयर फेसेस अप टू द स्काई एंड फीलिंग द सन ऑन देयर चीक्स लाइक वार्म आयरन, और देवर रनिंग दे वर टर्निंग देयर फेसेस अप टू द स्काई, और वो लोग जो वॉर्म्थ है उसको अपने फेस पर फील कर रहे थे। दे वर टेकिंग ऑफ देयर जैकेट्स एंड लेटिंग द सन बर्न देयर आर्म्स, एंड दे वर रिमूविंग देयर जैकेट्स और दे वर अलाउिंग द सन तो जो उनके आर्म्स को बर्न कर सके। ओके, देन ओ बेटर देन द सन लैम्प्स इजंट इट, तो एक बच्चा उसमें से बोलता है कि दिस सूरज इज बेटर देन द सन लैम्प्स, मच मच बेटर, और दूसरा बच्चा बोलता है कि हाँ बहुत बहुत बेटर है। दे स्टॉप्ड रनिंग एंड स्टूड इन अ ग्रेट जंगल दैट कवर्ड वीनस, और वो वीनस के उस जंगल में जाकर के चुपचाप रुक गए जहां पर जो जिसने उस प्लैनेट को कवर करके रखा था, जहां पे वो लोग रहते थे। दैट ग्रू एंड नेवर स्टॉप्ड ग्रोइंग टमल्टुअसली, और इट द फॉरेस्ट यूज टू ग्रो वेरी बैडली, बहुत ही ज्यादा ग्रो करता था वो वाला फॉरेस्ट, एज इवन एज यू वॉच इट, जैसे हम उसको देखते थे वैसे करके। इट वॉज अ नेस्ट ऑफ ऑक्टोपाई क्लस्टरिंग अप ग्रेट आर्म्स ऑफ फ्लैश लाइक वीड वेवरिंग फ्लावरिंग इन दिस ब्रीफ स्प्रिंग, और वहां पर वो जो प्लेस है, इट यूज टू लुक कि मतलब वहां पे जो स्टूडेंट्स है बच्चे, वो ऐसे लगता था दैट इट इज द नेस्ट ऑफ द ऑक्टोपाई। यही एक पिक्चर है जो मुझे इसमें मिली थी। ठीक है, तो इट यूज टू लुक लाइक इट इज द नेस्ट ऑफ द ऑक्टोपाई क्लस्टरिंग अप ग्रेट आर्म्स ऑफ फ्लैश लाइक वीड एंड दे वर लुकिंग लाइक, कि वो लोग जो है वो फ्लैश जैसे वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, देवर वेवरिंग देवर फ्लावरिंग इन दिस ब्रीफ स्प्रिंग, जो यहाँ पे जो छोटी छोटी सी स्प्रिंग आई है उसमें बहुत ज्यादा खिलखिला रहे थे,
It was the color of rubber and ash, this jungle from many years without sun, and it that जो forest है वो ऐसे लग रहा था that it was the color of a rubber and ash, और ये जो जंगल है जो बिना सन के इतने समय तक रहा है, it was the color of stones and white cheeses and inks, and it was the color of the moon, मतलब चीजें वहां पर ऐसे देखने में लग रही थी. The children lay out laughing on the jungle mattress. और the children है, they were laying out there. वो खुश थे, they were happy. They were laying on the jungle की जो mattress थी, and they heard it sigh and squeak under them, resilient and alive. They squeak a short high pitch, चीक चिल्ला रहे थे एक साथ मिलकर के. That was resilient and it was also alive. उनकी जो चीखे थी बहुत ही ज्यादा ऐसी थी कि उनकी आवाज को कोई और नहीं चीर सकता था, एंड दे वर वेरी लाइवली. दे रैंग अमंग द ट्रीज, पेड़ों के आसपास वो घूम रहे थे. दे स्लिप्ड एंड फेल एंड पुश्ड ईच अदर एंड प्लेड हाइड एंड सीक एंड टैग, बट मोस्ट ऑफ ऑल दे स्क्विंटेड एट द सन. स्क्विंटेड मतलब दे वर लुकिंग एट द सन और विथ पार्टली क्लोज आईज, सो दैट वो जो उसका सूरज की रोशनी है वो अपने फेस पर ले सके. अनटिल द टीयर्स रैन डाउन देअर फेसेस, और वो तब तक उस सूरज को देख रहे थे जब तक उसके आंखों से आंसू ना निकल करके आ जाए. And they put up their hands to that yellowness and that amazing blueness, and they breathed of the fresh, fresh air and listened to the silence which suspended them in the blessed sea of no sound and no motion. And what they did, they put up their hands to that yellow and amazing blueness. और वो अपना जो हैंड जैसे करके वो जो फेस पे उनके येलोनेस और ब्लूनेस पड़ रही थी उस पे रख रहे थे. दे वर ब्रीदिंग वेरी फ्रेश एयर, दे वर लिसनिंग टू द साइलेंस जो उस एरिया में छाई हुई थी जहां पर कोई साउंड और कोई मोशन नहीं था. They looked at everything and savored everything, and they looked at everything that was looking beautiful just because ki wahan par suraj nikal aaya tha, and they enjoyed everything to the fullest, and then wildly like animals escaped from their caves, they ran and ran in the shouting circles, and they were so joyous, they were so happy ki they were behaving wildly like animals जो अपने cave से बाहर निकल के आए हैं. They ran in shouting circles. एक घंटे तक they started running and did not stop. और उसके बाद suddenly, and then what happened in the midst of their running, one of the girls, एक बच्ची थी जिसने जोर से चिल्लाया. Everyone stopped, सब कोई रुक गया. The girl standing in the open held out her hand, जो ओपन फील्ड में वहां पे खड़ी थी वो अपना हाथ ऐसे करके आगे बढ़ाई. ओ लुक लुक शी सेड ट्रेम्बलिंग, ओ देखो देखो उसका हाथ कपकपा रहा था. शी वाज ट्रेम्बलिंग, और उसने देखा. दिस से दे केम स्लोली टू लुक कि उसके ओपन पाम में क्या है. इन द सेंटर ऑफ इट कप्ड एंड ह्यूज वाज अ सिंगल रेन ड्रॉप, और उसके बाद उसने देखा कि देयर वाज अ सिंगल रेन ड्रॉप. And she began to cry, looking at it, they glanced quietly at the sun. और उसके बाद फिर उसके बाद उन्होंने धीमे से सन की ओर देखा, और उन्होंने क्या देखा, that finally the sun has gone, the sun has set, and उसके बाद फिर से दोबारा से बारिश शुरू हो गई है. A few cold drops fell on their noses and cheeks and their mouths. The sun faded behind a stir of mist. कि फिर से बहुत ज्यादा धुआं कोहरा जैसा उसके ऊपर छा गया. एंड सन हैड फेडेड, अ विंड ब्लू कोल्ड अराउंड देम, और तेज से हवा चलने लगी. एंड दे टर्न्ड एंड स्टार्टेड टू वॉक बैक टू द अंडरग्राउंड हाउस, देयर हैंड्स एट देयर साइड्स, देयर स्माइल्स वैनिशिंग अवे. और फिर वो फिर से दुखी होके दोबारा से अपने ही घरों में, अपने ही अंडरग्राउंड एरिया में, हाउसेस में चले गए. अ बूम ऑफ थंडर स्टार्टल्ड देम, जो वहां पर तूफान जैसा दोबारा से मौसम होने लगा. दे अगेन, दे वर अगेन शॉक्ड एंड लाइक लीव्स
बिफोर अ न्यू हरिकेन दे टम्बल्ड अपॉन ईच अदर एंड रैन। और जैसे कि लीव्स होती हैं जो अगर कुछ आंधी तूफान या हरिकेन आते हैं तो उस टाइम पर जो एक दूसरे के ऊपर लीव्स चढ़ रही होती हैं, वैसे ही करके दे ऑल्सो टम्बल्ड अपॉन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ करके वो लोग भागने लगे। लाइटनिंग स्ट्रक 10 miles अवे, फिर 5 miles, फिर माइल एंड हाफ अ माइल, खूब दूर बिजली कड़की, फिर थोड़ा पास आई और पास आई, स्काई जो है वो अंधेरा हो गया, एंड इंटू अ मिड नाइट इन अ फ्लैश, और एकदम से स्काई जो है वो डार्क हो गया। दे स्टूड इन द डोर वे ऑफ द अंडरग्राउंड फॉर अ मोमेंट अंटिल इट वॉज रेनिंग हार्ड। उसके बाद वो कुछ देर तक डोर वे पे खड़े रहे जब तक इट वॉज अगेन रेनिंग वेरी हार्ड। देन दे क्लोज, फिर उन्होंने डोर क्लोज किया एंड हर्ड द गिगेंटिक साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग इन टन्स एंड एवलांचेस इन एवरीवेयर एंड फॉर एवर। देन अगेन दे स्टार्टेड लिसनिंग टू द साउंड ऑफ रेन जो बहुत तेजी से आ रही थी, एवलांचेस जैसी लग रही थी, एवरीवेयर एंड फॉर एवर। और फिर उसके बाद किसी ने पूछा कि क्या अब फिर 7 years वी हैव टू वेट, तो सब दूसरे ने बोला यस। देन वन ऑफ देम गेव अ लिटिल क्राई, उसके बाद एक इंसान ने एक जोर से चीखा, क्या चीखा, मार्गॉट, ओ माय गॉड, वी हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन मार्गॉट। और उसके बारे में अगेन एक देयर वाज अ गर्ल जिसने जोर से आवाज लगाई कि भाई वेयर इज द गर्ल, व्हाट, शी इज स्टिल इन द क्लोजेट वेयर वी लॉक्ड हर, और वो अभी भी उसी क्लोजेट में जहां पर हमने उसको लॉक कर दिया है, मार्गॉट। तो दूसरे ने बोला कि यस वो भी वहां पर ही होगी, शी इज ऑल्सो लॉक्ड। दे स्टूड एज इफ समवन हैड ड्रिवन देम, वो वहां पर खड़े रहे एज इफ देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ गिल्ट और रिग्रेट इन देम लाइक सो मेनी स्टेक्स इनटू द फ्लोर, और ऐसे लग रहा था दैट दे वर लाइक दीज स्टेक्स, ये जो लकड़ी का शील्ड जैसे होता है टू प्रोटेक्ट द एरिया, उसके जैसे दे वर स्टैंडिंग देयर, दे वर लाइंग ऑन एज इफ दे वर लाइंग ऑन द फ्लोर लाइक दिस। दे लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे की ओर देखा, फिर इधर उधर देखने लगे। दे ग्लांस्ड आउट द वर्ल्ड दैट वॉज रेनिंग नाउ एंड रेनिंग स्टेडली, फिर उन्होंने बाहर देखा जहां पर बहुत सारी बारिश हो रही थी। दे कुड नॉट मीट ईच अदर्स ग्लांसेस, वो एक दूसरे के ग्लांसेस से एक दूसरे की नजरें नहीं मिला पा रहे थे। देयर फेस वर सोलम, देयर फेस वर सीरियस, देयर फेस वर पेल, उनका फेस जो है वो पीला पड़ गया था। दे लुक्ड एट देयर हैंड्स, उन्होंने अपने हैंड्स को देखा, अपने फीट को देखा, अपने फेसेस, देयर फेसेस वर डाउन, कोई भी एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे थे, बिकॉज दे न्यू दैट आउट ऑफ जेलसी एंड एनवी व्हाट दे हैव डन, दे हैव रॉन्ग्ड मार्गॉट। She was also equally waiting for sun to be seen, but उन्होंने उससे ये मौका जो है छीन लिया है। Margot, one of the girls said, well, no one moved. Go on, girl, whispered the girl. उसके बाद एक girl ने बोला कि ठीक है आगे बढ़ो, उसको खोलो, दरवाजा खोलो उसको। दे वॉक्ड स्लोली डाउन द हॉल इन द साउंड ऑफ द कोल्ड रेन, जो कोल्ड रेन में जो आवाज आ रही थी उसमें वही लोग हॉल में गए जहां पर मार्गॉट वॉज लॉक्ड। दे टर्न्ड थ्रू द डोर वे टू द रूम इन द साउंड ऑफ द स्टॉर्म एंड थंडर एंड लाइटनिंग ऑन देयर फेसेस ब्लू एंड टेरेबल, उनके फेसेस पे जो लाइटनिंग पड़ रही थी वो उसी के थ्रू डोर से अंदर गए, उस रूम में गए। दे walked over the closet door slowly and stood by it, और उसके बाद जो अलमारी थी वो उसकी तरफ गए and उसके बाद वहां पे उन्होंने उस दरवाजे को खोला। Behind the closet door was only silence, और उस दरवाजे के उस पार सिर्फ साइलेंस थी। They unlocked the door even more slowly and let Margot out, and finally they let Margot out, but Why there was silence? क्यों वो चीख चिल्ला रही थी? Why? Because she also was upset because she was not also able to see the sun, and this is all because कि just because she was different from the other people, what the students did, they treated her badly, cruelly, and they even locked her inside the closet. Could not let her be out and see and watch and enjoy the sun.
ओके, तो दिस इज ऑल द स्टोरी अबाउट. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. इफ यू हैव लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. बेस्ट विशेस. थैंक यू.